दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में मशहूर मोनालिसा पेंटिंग सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। आखिर मोनालिसा पेंटिंग इतनी रहस्यमयी और महंगी क्यों है, पूरा जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। नंबर 9, इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और करीब 14 साल लग गया इस पेंटिंग को बनाने में। नंबर 8, मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। ये ना केवल एक पेंटिंग है बल्कि एक रहस्य भी है। इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। नंबर 7, सन 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंड सेट बदलता रहता है। ये आपका दिमाग का खेल है, आप जैसा मोनालिसा को देखना चाहते हो ये वैसा ही दिखेगा। नंबर 6, इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। ये पेंटिंग दिखने में बड़ी लगती है लेकिन ये काफी छोटी है। ये पेंटिंग 30x21 इंच की है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। इसे किसी पेपर या कैनवास पर नहीं बल्कि एक लकड़ी पर ऑयल पेंटिंग के साथ बनाया गया था। नंबर 5, मोनालिसा एक काफी खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही काफी मशहूर है, लेकिन इसकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब पेरिस के रिसलू म्यूजियम से चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को एक बड़े म्यूजियम से एक फेमस पेंटिंग का चोरी होना एक बहुत ही बड़ी बात थी। और आपको पता है, चोरी का इल्जाम दिया गया मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो पर, लेकिन काफी दिनों से पूछताछ के बाद ये इल्जाम हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता चला कि म्यूजियम के कर्मचारी ने इसे चोरी करके इडली लेकर गया था। उसका मानना था कि ये इडली का संपत्ति है और इडली में ही रहना चाहिए। हालांकि इसलिए इस कर्मचारी को 6 महीने के लिए जेल हुई थी, लेकिन इटली के लोग उसे देशभक्त बोलना चालू कर दिया था। नंबर 4, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल मोनालिसा पेंटिंग जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दूसरा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची के टाइम में उसका स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेलजी ने बनाया था। नंबर 3, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आकी गई थी, लेकिन 2019 में $700 मिलियन के आसपास है। नंबर 2, इस पेंटिंग को गौर से देखने पर मोनालिसा की आईब्रो नहीं दिखता है। अब सवाल उठता है कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो क्यों नहीं बनाई थी। सन 2017 में फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोट ने हाई रिजोल्यूशन स्कैन से पता लगाया कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो बनाया था, जो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे गायब हो गया। नंबर 1, 2003 में अमेरिकन ऑथर डेन ब्राउन का एक नोवेल आया था, द विंची कोड। शायद आप में से कुछ लोग इसे जानते हो। इस नोवेल पर आधारित एक फिल्म बनाई गई थी, उसका नाम है विंची कोड। इस फिल्म में दिखाया गया कि मोनालिसा पेंटिंग में बहुत सारा सीक्रेट कोड छिपाया गया है। अपने नोवेल का पब्लिसिटी करते हुए डेन ब्राउन ने दावा किया कि वो मानता है कि पूरा किताब फिक्शन से आधारित है, लेकिन बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सत्य पर आधारित है, जिसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च किया है। लेकिन किताब और फिल्म दोनों का ईसाइयों ने जमकर विरोध किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि यह हिस्टोरिकल इनकरेक्ट है। अब आप बताइए भाई लोग, आपको क्या लगता है इस पेंटिंग के पीछे सीक्रेट के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना। फैक्ट एडिक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दो ताकि नई वीडियोस आप सबसे पहले देख पाओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।